हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। CUSET के एग्ज़ाम शेड्यूल, जैसा कि आप सबको पता है कि 18, 19 और 20 सितंबर को देश भर में परीक्षा आयोजित की जाएगी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, PG कोर्सेज़ के लिए, साथ ही साथ MPhil PhD यानी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। आप में से कई लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि CUSET के रिगार्डिंग कुछ टिप्स दीजिए। हालांकि टिप्स आपके साथ मैं तरह तरह से शेयर करता रहता हूँ, वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ, लाइव से शेयर करता हूँ, साथ ही साथ कमेंट में शेयर करता हूँ। इस खास वीडियो में मैं आपके साथ कुछ खास टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। अब वापस आते हैं, बात करते हैं कि CUSET के लिए टिप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले टिप्स ये है कि आप अपने को कूल रखें, बिल्कुल शांत रखें, ज़्यादा परेशान ना हों। एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा आप परेशानी ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें, वरना आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो पहला टिप्स मैं यही देना चाहूँगा कि आप अपने को स्वस्थ रखिए, ख़ासकर आप अपने दिमाग को बिल्कुल काबू में रखिए। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये CUSET का एग्ज़ाम है, आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। तो आप अच्छे से टेंशन फ्री होकर तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आपके क्वालिफाई करने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरी अहम टिप्स है कि आप एडमिट कार्ड का वेट कीजिए। एडमिट कार्ड 2 से 3 दिनों पर अपलोड हो जाएगा, CUSET के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, जो गाइडलाइंस दिया रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सेंटर का डिटेल्स रहेगा, आपके सब्जेक्ट का डिटेल्स रहेगा, किस टाइम में कौन सा एग्ज़ाम है, वो सारी बातें लिखी रहेंगी। साथ ही साथ एक लंबी लिस्ट होगी जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, क्योंकि COVID-19 कोरोना हर तरफ फैला है, तो कोरोना को लेकर विशेष स्पेशल गाइडलाइंस होंगे, उन गाइडलाइंस को आपको पढ़ना है और फॉलो करना है। तीसरी टिप्स ये है कि देश में, जैसा कि आपको पता है कि हर तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ ही रहे हैं, हर दिन नए नए केसेस आ रहे हैं, आपको अपने को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप घर से कम बाहर निकलें, अपने को बिल्कुल अलग थलग रखें, पॉसिबल है तो क्वारंटीन में रखें और घर बैठे ही तैयारी करें। इधर उधर ज़्यादा अभी घूमने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अफेक्टेड हो जाएं। बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो आपको अपने को स्वस्थ रखना है ताकि आपका एग्ज़ाम आपके हाथ से ना चला जाए। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है और आपको एग्ज़ाम में भी अपियर होने का मौका नहीं दिया जाएगा। चौथी बात यह है कि CUSET के कट ऑफ को लेकर कितना स्कोर करना है, इसको लेकर आप लगातार सवाल पूछते हैं कि कितने मार्क्स में, कितने परसेंटेज में आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। जो परसेंटेज है स्कोर कार्ड में, और साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ होता है, वो वैरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। UG लेवल के कोर्सेज़ का कट ऑफ आमतौर पर ज़्यादा जाता है, 55 से 60% तक अगर आप स्कोर करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर PG लेवल की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें, जैसे MBA हो गया इस तरह के कोर्सेज़ के लिए, या फिर MTech हो गया, या फिर BTech हो गया, इस तरह के कोर्सेज़ के लिए आप टारगेट 65 से 70 लेकर चलें। अगर आप 65% बिल्कुल कंफर्म करते हैं विदाउट नेगेटिव, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एडमिशन के। काउंसलिंग के लिए आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। पांचवी और अंतिम बात कि कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी की आखिरी परीक्षा है। आप को परीक्षा को बिल्कुल लाइटली लीजिए। जो तैयारी आपकी अब तक हो चुकी है, उसी तैयारी को बार बार रिवाइज़ कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तब जाके आप कोई एक्स्ट्रा नई चीज़ पढ़ें, वरना आप नई चीज़ के चक्कर में जो आपने अब तक पढ़ा है उसको आप भूल सकते हैं। रिवाइज़ करना, साथ ही साथ मॉक टेस्ट में शामिल होना, OMR शीट में आप कैसे सर्किल करेंगे, इसको भी आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, तो 1 क्वेश्चन में करीब करीब आपको 1 मिनट मिलेगा, जिसमें आपको आपका आंसर भी आपको देना है और OMR शीट पर उसको सर्किल भी करना है। तो ये 5 अहम बातें मैंने आपके साथ शेयर की है, जो सिर्फ CUSET नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आप अपियर हों तो उसके लिए अप्लीकेबल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी इसको देखे तो इंस्पायर हो और वो जो टेंशन है उनके दिमाग में, CUSET एग्ज़ाम या दूसरे एग्ज़ाम्स को लेकर, उनके दिमाग में कुछ टेंशन कम हो जाए। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। आपको ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं सीयूसेट 2020 के एग्जाम्स के लिए। आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।